आप YouTube ओपन कर ले, हालांकि YouTube के ऊपर इतने MBs नहीं लगते हैं, तो YouTube ओपन करें वो इतना स्लो चल रहा होता है, तो 5G जब आएगा तो पाकिस्तान को भी लॉन्च करना चाहिए ऐसी चीज़ें, ऐसी टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंटरनेट सर्विसेज की, तो हम काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस लगाते हैं, महंगे पैकेजेस लगाए जाते हैं, ठीक हो गया, 4G भी इतना अच्छा नहीं चलता, 3G भी अच्छा नहीं चलता, तो क्या वजूहत हैं इन चीज़ों की? वजूहत वही टेक्नोलॉजी की हमारे पास, देखे ना हमारे पास पहले टेक्नोलॉजी आई बहुत लेट है पाकिस्तान में। अगर आप जाएं पीछे, मतलब मार्शल्ला के दौर में, गालबन मुशरफ के दौर पे में आई थी, और फिर उसके बाद अभी दुनिया जो है वो 5G से 6G पे मूव कर रही है, हम स्टिल जो है वो 4G, वो भी ऐसे इलाकों में लाइक लाहौर के मेन एरियाज़ में 4G है, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो वही 3G 2G, और गांव में चले जाएँ तो H+ आता है। मतलब यही चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे इतना जो है फोकस नहीं है। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएंगे, अगर बात की जाए चाइना की, तो वहाँ पर लाइफ आई इंट्रोड्यूस करवाने की बातें की जाती है, साउथ कोरिया में फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं आप लोगों को, ठीक हो गया, इंडिया में 5G उनके गाँव में चल रहा है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म से चल रहा है, तो मतलब कि उनके स्टूडेंट्स देखें ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट होते हैं, तो IT प्रोफेशनल्स का पता चल रहा होता है कि अच्छा इस मुल्क में IT सबसे ज़्यादा अच्छी चल रही है, यहाँ पर हम लोग तो ग्लोबल विलेज के साथ दूर दूर तक नज़र नहीं आते। फिर हम इंडिया मूव कर लेते हैं, बॉर्डर के पास इंडिया है, अरे वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हम कहेंगे हमें नेट चाहिए। सिर्फ नेट के लिए हम लोग इंडिया जाए। तो जिस तरह के हालात हैं तो ऐसा होना है, मतलब दुनिया चांद पे जाने की बातें कर रही है, तो हम लोग अभी भी वो जो है ना 4G से 5G पे नहीं आ रहे, सही है ना, लोग जो है वो नेट को कुछ भी नहीं समझते, मतलब वो फ्री ऑफ कास्ट। आप मैं बहरेन रहा हूँ तो वहाँ पे ऐसे ऐसे पैकेजेस हैं, ऐसी ऐसी वहाँ पे मतलब आपको ब्राउजिंग है उनकी, तो यहाँ पे तो एक घंटा लेके आप बैठे रहो, घूमता बंदा वैसे ही दिमाग घूम जाता है कि ये क्या हो रहा है। ये उनके जो उनकी टेक्नोलॉजी है ना, मैं कहता हूँ कि वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब कॉलेजेस हैं, यहाँ पे वो कुछ नहीं सिखाया, वहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, सही है, मेन पहली बात तो यही है, चाइना से लेके इंडिया तक वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी हैं जिनकी बेस ही रिसर्च पे है, हमारी होती है रिसर्च पे कैसी करनी है, आपने बाहर जाके रिसर्च करनी है, टेक्नोलॉजिकल एक प्रैक्टिकल करने की बजाय हम लोग वो मतलब पेपर वर्किंग करते हैं, तो इससे यही कुछ होगा, आगे तो कुछ नहीं होगा। सही हो गया। लेकिन आने वाला दौर देखा जाए तो इंटरनेट का ही नज़र आ रहा है, हमारी जो आने वाली जनरेशन हैं वो इंटरनेट को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, वो क्या कहेंगी कि भाई आने वाली वो भी हमारी तरह खुल के चली जाएंगी? सही होगा, वो कहेंगे कि तुम लोगों ने क्या किया, जैसे हम लोग आज कहते हैं कि अपने बड़ों से आप लोगों ने क्या किया है, वो भी बोलेंगे कि इन लोगों ने क्या किया है, तो ऐसा ही होगा, मतलब कुछ कोई नहीं, मतलब जब तक आप जो है ना टेक्नोलॉजी को उसके साथ नहीं चलोगे आप ऐसे ही चलेंगे। और यहाँ पे थैंक यू सो मच सर गुपीन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल। अच्छा कौन सी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, जैस की या जोंग की? मैं जैस की। 4G या 3G? 4G। कैसा चलता है? 4G थका हुआ चल रहा है, ये तो 2G के बराबर चल रहा है आजकल, जैसे सर्दियों के लिहाज से मौसम देखें तो 4G इधर कह रहे हैं, 5G मैं सुनने में आ रहा है 5G टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ रही है, पर अभी तक तो 4G नहीं ये चाह रहा, तो ये 5G कैसे चला सकेंगे इधर, ये समझ से बाहर। अब इधर 4G आजकल बहुत ही मुश्किल चल रहा है, क्योंकि इधर आजकल इंटरनेट हर बंदा तो इस्तेमाल कर रहा है, और वैसे अगर नाइट में देखा तो नाइट में तो बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है नेट पे, तो अगर इंटरनेट है, क्योंकि इधर वाईफाई की अगर कोई नहीं, वाईफाई तो देखें डिजिटल एक है, एक हमारे पास कनेक्शन है, पर ये 4G तो इधर बिल्कुल थका हुआ चाह रहा है। सॉरी अगर हम इस वक्त इंडिया की बात करें तो वहाँ पर 5G लॉन्च कर दिया गया है, गुजरात के अंदर किया गया है, एक गांव है वहाँ पर किया गया है, और अगर बात की जाए एक एयरपोर्ट है वहाँ पर भी लॉन्च किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड चल रही है उसकी, एक गांव के अंदर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, ठीक हो गया, तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पर डेवलपमेंट को देख कर लोग वोट कास्ट करते हैं, अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट है नहीं है, नेट स्पीड ठीक नहीं है, ग्लोबल विलेज के साथ हम लोग कनेक्ट नहीं है अच्छे से। देखिए इंडिया तो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, इंडिया की तो अब बात अगर करें तो वो हर चीज़ में तो अपने कार रहा है, अब 5G भी उधर बहुत अच्छा चल रहा है 5G, और क्योंकि इधर अगर वो उधर ना एक आवाम का मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स और वो अच्छे तरीके से करते हैं इधर, तो पाकिस्तान में तो अगर 4G की बात, 4G आजकल बहुत नॉर्मल सा आ रहा है, 5G तो मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल ही आएगा अगर आएगा, क्योंकि इधर आवाम बहुत ज़्यादा, और इंडिया में तो वैसे ही मैं कहता हूँ कि हर काम उनका सही चल रहा है, निज़ाम उनका सही है, अब उनके गांव में भी उन्होंने कुछ अपनी वायर्स वगैरह बिछाई होंगी तो ठीक है, क्योंकि इधर पाकिस्तान में बाद गांव में देहातों में नहीं आ रहा 4G, उधर
क्योंकि मैं पीछे से गाँव उधर 3G तक बड़ा मुश्किल आ रहा है, तो शहरों की तो वैसे ही बात अब छोड़ देना, शहरों में क्या 4G आएगा या नहीं आएगा, तो मैं कोशिश करते हैं कि कोशिश होगी कि ये पाकिस्तान में 5G अच्छे तरीके से आए और स्पीड थोड़ी तेज़ हो, क्योंकि वो अब देखें अपनी एजुकेशन के लिहाज से वो 5G चला रहे हैं, उनकी एजुकेशन डिजिटल है, हर निज़ाम उनका डिजिटल होने जा रहा है, और पाकिस्तान में तो अभी कुछ का ताना बाना नहीं मिल रहा कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और पाकिस्तान में अगर 5G आता भी है तो बेहद मशहूर है या अपनी हुकूमत के या जो भी इसको लॉन्च करेगा पाकिस्तान में, अच्छी बात है 5G आ जाएगा। सही हो गया, थैंक यू सो मच डॉक्टर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल। कौन सी सर्विस पे इस्तेमाल करें, जैज या जोन की? मैं जैज पे। 4G या 5G इस्तेमाल करें? 4G। कैसा चल रहा है आजकल? तो प्रॉब्लम आ ही रही है, सिग्नल प्रॉब्लम आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी है, तो उसके लिए काम भी होता है तो ज़्यादातर मुश्किल ही होता है। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे 5G लॉन्च किया गया है, एक सबमरीन केबल के थ्रू भी कह लें कि जो बैंडविड्थ है वो भी नेट की बड़ी ज़बरदस्त क्रिएट की है उन लोगों ने, तो हमारे यहाँ पर ग्लोबल विलेज के साथ हमारे स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं होते ज़्यादातर, ठीक हो गया क्योंकि नेट इतना अच्छा नहीं चलते, इतने हैवी पैकेजेस लगाते हैं, पैसे पे करते हैं, इसके बावजूद हम ऑनलाइन कुछ भी करने के लिए स्टडी करने के लिए जाते तो नेट नहीं चल रहा था हमारा। इंडिया को पता है कि हमारे स्टूडेंट्स ने ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट होना होता है तो वो हर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाइज आप देखेंगे पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है और हमें भी एज सून एज पॉसिबल इसको 5G को लॉन्च करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे तो गवर्नमेंट के कोई हालात ही नहीं है ना, गवर्नमेंट कोई किसी एक तरफ फोकस करेगी तो ये चीज़ें होंगी। यहाँ पे आपको IT के मिनिस्टर का नहीं पता, आपके साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई मिनिस्टर नहीं है, तो ये चीज़ें तो इंटरेस्ट के साथ होती हैं ना, हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन लोगों का इंटरेस्ट होगा तो ये चीज़ें होंगी, वो लोग अपनी इकोनॉमी के साथ सिंसियर हैं और उस चीज़ों को लेके चल रहे हैं, इसलिए उनका ऑब्वियसली हमें भी चलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बहुत पीछे हैं। सही हो गया। अच्छा वहाँ पर डेवलपमेंट को देख के इलेक्ट किया जाता है लोगों को, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्ट हो जाते हैं लोग? ये एक्चुअली यही है कि हम एजुकेशन में भी उनसे बहुत पीछे हैं, हम आज भी हमारे सिंध के अंदर भुट्टो जिंदा है, हर चीज़ इस चीज़ की वजह से हम पीछे हैं सबसे, और इंशाल्लाह टाइम आएगा जैसे जैसे एजुकेशन लोगों के अंदर शऊर आएगा तो उसी हिसाब से होपफुली कि हम भी जल्दी उनके बराबर पहुंचे। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर। कपिल, 3G या 4G? 4G। कैसा चलता है? बहुत स्लो चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया की बात करें तो इस वक्त वहाँ पर 5G लॉन्च किया गया, गुजरात में एक उनका गांव है वहाँ पर भी 5G चल रहा है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, ठीक हो गया, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज की क्या कंडीशन है, इंडिया में क्या कंडीशन है? यहाँ पे तो आप कमरे के अंदर घर के अंदर चले जाएं तो बैठे हैं तो यहाँ पे नेट सही तरह से चलता नहीं है, बिल्कुल बकवास तरह का नेट चलता है। 4G वो भी फुल 4G ऊपर सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं कि आपका 4G चल रहा है लेकिन सिग्नल बिल्कुल भी, कोई आप यूट्यूब ओपन कर लें, हालांकि यूट्यूब के ऊपर इतने MBs नहीं लगते हैं तो यूट्यूब ओपन करें वो इतना स्लो चल रहा होता है, तो 5G जब आएगा तो पाकिस्तान को भी लॉन्च करना चाहिए, ऐसी चीज़ें ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, पता नहीं हम क्यों पीछे हैं इतना ज़्यादा, दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच गई, हमारे लोग आपस में लड़ने झगड़ने में मसरूफ हैं। सही हो गया। तो मुझे ये बताएं कि जैसे कि बात की जाए डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हमें चाइना भी बहुत नज़र आती है, साउथ कोरिया भी बहुत नज़र आती है, और फ्री इंटरनेट सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को नज़र आ रही होती हैं, ठीक हो गया, लेकिन अगर बात की जाए हमारे अपने मुल्क की तो यहाँ पर तो फ्री इंटरनेट जब मिलता है तो कैसा वो भी नहीं चलता। डेवलपमेंट की बात करें ना पहले आप ये देखें ना, आपके लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वो एक दूसरे की कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, जब वो इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो डेवलपमेंट होगी ना, फिर कोई काम होगा, जब एक टिक के कोई एक हुक्मरान बैठेगा अपनी सीट के ऊपर कुछ सोचेगा मुल्क के बारे में तब ही होगा ना, जब आपके करप्ट वज़ीर आज़म होंगे, जब आपके करप्ट लोग बैठे होंगे तो फिर कैसे आपकी डेवलपमेंट होगी, कैसे वो लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेल्जियम के अंदर बैठ के अपने लिए घर बना रहे हैं, अपने लिए जायदादें बना रहे हैं, तो क्या होगा, ये खाक होगी डेवलपमेंट आपके मुल्क के अंदर। अच्छा इस वक्त मोदी का तीसरा टेन्योर स्टार्ट होने वाला है और वो डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट करता जा रहा है ताकि अगले साल भी मतलब के इस साल भी उसको ही चुनाव में मतलब के कह लें कि सक्सेस मिले, तो वहाँ पे डेवलपमेंट को देखे लोग मईशत में इतना पीछे रह गया है, अब तकरीबन 25% उसकी हालत होगी, 85% गिर गया है पाकिस्तान ना, वो चला गया मईशत के अंदर पीछे, मुझे इसका खास फिगर नहीं पता लेकिन ये पता है कि मईशत में भी पाकिस्तान दिवालिया होने वाला बिल्कुल करीब है, ठीक है, तो हमारी ये हालत है, हम दुनिया के साथ क्या खड़े होंगे, क्या अपना नाम बनाएंगे, क्या कुछ करेंगे आगे, पता नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान अब क्या कहूँ। हाँ थैंक यू सो मच।